दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुए लूना 25 ने बुधवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। और आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले करेगा चांद पर लैंडिंग। लूना 25 ने मारा शॉर्टकट। आखिर क्या है लूना 25 मिशन का मकसद, रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मिशन, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। इस वक्त अंतरिक्ष में एक रेस चल रही है। रूस और भारत के मून मिशन चंद्रमा की ओर बढ़ रहे हैं। पहले लॉन्चिंग के बावजूद चंद्रयान 3 लूना 25 के बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसके पीछे दोनों के वजन और ईंधन भंडारण है। दोस्तों, रूस का महत्वाकांक्षी लूना मिशन लूना 25 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी। बताया जा रहा है कि यह अंतरिक्षयान भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चंद्रमा पर उतरेगा। रूस के लूना मिशन लूना 25 पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई है। वहीं भारत का चंद्रयान 3 भी अगले हफ्ते चांद पर लैंडिंग करने को तैयार है। बुधवार को लूना 25 को लेकर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बड़ी जानकारी दी है। एजेंसी ने कहा है कि रूस का लूना अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूना 25 करीब 5 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, फिर 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बदलेगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 दो दिन बाद यानी 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। दोस्तों, अब ये रेस में लूना 25 ने फिर मारा शॉर्टकट और चंद्रयान से 2 दिन पहले करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। वही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। वो इसी महीने शुरुआत में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। दूसरी ओर रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया, मगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए इसने छोटा रास्ता अपनाया है। इस रास्ते के बारे में दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को नहीं मालूम है। रूस का लूना 25 सन 1976 के बाद से यानी 47 सालों के बाद देश का पहला लूना मिशन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहले भी कई बार देशों ने लैंडिंग की कोशिशें की हैं। लेटेस्ट कॉन्टेस्ट रूस और भारत के बीच है। उनकी माने तो चुनौती बहुत मुश्किल है और कोई भी देश खिताब जीतेगा इस बात की संभावना कम है। आखिर क्या है मिशन का मकसद, क्यों लोगों की इतनी टिकटिकी लगी हुई है इस मून मिशन को लेकर? दरअसल लूना 25 का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव पर एक साल तक अपने मिशन को अंजाम देना है। यह वो जगह है जहां पर हाल के कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने गड्ढों में जमे हुए पानी के निशान का पता लगाया है। रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नजर रखने वाले अनातोली जग की माने तो सोवियत संघ के मिशन लूना 24 के बाद से किसी भी रूसी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि लूना 25 ने ये कर लिया है, तो उसने सोवियत दौर के बाद पहली बार ऐसा करके इतिहास रचा है। अब दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दे कि क्यों रूस का इतना जोर लगा हुआ है इस मिशन को लेकर, रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मिशन। दरअसल कुछ लोग इसे चंद्रमा के लिए लगी दूसरी रेस कह रहे हैं, इसलिए भी यह रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लूना 25 सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि रूसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। सन 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ था। रूस दुनिया का पहला देश था जिसने चांद पर रोबोटिक अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराई थी। बाद में भी उसने कई रोबोट अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था, लेकिन लूना 25 रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस मिशन को पहले यूरोप के साथ साझेदारी में पूरा करना था, मगर यूक्रेन की जंग के बाद यूरोपियन देशों ने अपने हाथ पीछे खींचे लिए। और अगर वही बात करें कि लूना 25 ने अब तक अंतरिक्ष में से जो तस्वीर भेजी है, तो आपको बता दें कि करीब 47 साल में रूस के पहले लूनर लैंडर लूना 25 को शुक्रवार को सोयुज रॉकेट से लॉन्च किया गया था। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने सोमवार को अंतरिक्ष यान की ओर से भेजी गई पहली तस्वीरें जारी की थी। रूस का आखिरी मून मिशन लूना 24 था, जिसे 1976 में लॉन्च किया गया था जब देश सोवियत संघ का हिस्सा था। लूना 24 मिशन लगभग 170 ग्राम लूनर सैंपल के साथ लौटा था। लूना 25 ने ये नई तस्वीरें रविवार 13 अगस्त को ली और स्पेस एजेंसी ने इन्हें सोमवार को जारी किया। रोसकॉस्मोस ने एक बयान में कहा कि ये तस्वीरें पृथ्वी और चंद्रमा के बैकग्राउंड के साथ लूना 25 के उपकरण दिखाती है। एक तस्वीर में आप मिशन का प्रतीक चिन्ह भी देख सकते हैं। रोसकॉस्मोस के टेलीग्राम अपडेट के अनुसार तस्वीरें हमारे ग्रह से लगभग 3,10,000 किलोमीटर की दूरी पर ली गई थी।
चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लगभग एक महीने बाद रवाना होने के बावजूद रूसी लैंडर भारतीय मिशन से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छू सकता है। दोस्तों, लूना 25 अपने सही समय पर चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 21-22 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है लूना 25। 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अब 21 या 22 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। वहीं चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। रूसी मिशन चंद्रमा की ओर सीधे पथ पर बढ़ रहा है क्योंकि इसका पेलोड हल्का है और इसमें अधिक ईंधन भंडारण है। चंद्रयान 3 मिशन की तुलना में लूना 25 का भार केवल 1750 किलोग्राम है। अगर बात करें वजन की तो चंद्रयान 3 से बेहद हल्का है लूना 25। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अधिक घुमावदार रास्ते से कम ईंधन के साथ चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर भेज रहा है। दोनों मिशन के अलग अलग पहुंचने के समय का एक प्रमुख कारक उनका संबंधित द्रव्यमान और ईंधन दक्षता है। लूना 25 का भार केवल 1750 किलोग्राम है जो चंद्रयान 3 के 3800 किलोग्राम से काफी हल्का है। लूना 25 के साथ रूस ने चंद्रमा पर खोज की रेस में महत्वपूर्ण वापसी की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।